सास बहू और साजिश, सिर्फ यहाँ और कहाँ। राधा का हो गया वध, खुद उसकी बड़ी बहन गोपी ने ही उसका वध कर दिया। त्रिशूल से उसके शरीर पर कई घाव कर दिए गोपी ने। आज इस पाप का अंत होना जरूरी है, बहुत जरूरी है। राधा, दुर्गा रूप धरकर राधा जैसी राक्षसी वृत्ति वाली अपनी ही बहन का वध कर दिया गोपी ने। बहुत सताया था राधा ने गोपी को, और ना सिर्फ गोपी को बल्कि पूरे मोदी परिवार को राधा ने अपनी उंगलियों पर नचाया था। अभी थोड़ी देर पहले ही उसने कोकिला मोदी को भी घुटने के बल भीख मांगने पर मजबूर कर दिया था। राशि की जिंदगी के बदले उसे जमीन पर नाक रगड़ कर भीख मांगने के लिए ब्लैकमेल किया था राधा ने। अब तुम्हें अपनी नाक रगड़नी होगी जमीन पर। रगड़ो। कोकिला बेन ने वो सब किया जो राधा ने कहा, लेकिन गोपी से अपनी सास का ये अपमान सहा ना गया, और राधा का अपनी ही बच्ची राशि का यूँ इस्तेमाल करना भी उसे नहीं भाया। तो फिर क्या था, उसने नदी में स्नान करके माथे पर ढेर सारा लाल खून लगा के और हाथ में त्रिशूल लेकर धर लिया दुर्गा का रूप। इससे पहले कि कोई रोक सके उसने राधा को खत्म कर दिया। किसी को मारना इतना आसान नहीं है। राधा ने मोदियों को परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, और उसने अपनी सारी हदों को पार कर दिया था, और अपनी बेटी राशि को भी उसने मौत के घाट उतारने की पूरी तैयारी कर ली थी। एक राशि तो पहले ही जा चुकी है, के जाने का समय आ चुका है। अगर वो रो भी देती तो उसे चुप कराने का तरीका भी बहुत गुस्से वाला नजर आ रहा था। तभी तो उसे पीछा छुड़ाने का गोपी को ये एकमात्र रास्ता दिखा। हालांकि इस रास्ते में वो कई बार लड़खड़ाई। पहली बार तो पानी में गोते खाने पड़े, फिर माथे से खून बहाना पड़ा। त्रिशूल लेकर देवी की तरह चलते चलते उसको खुद को भी ठोकर खानी पड़ी, लेकिन सारी मुश्किलों को पार कर उसने अपना दुर्गा वाला किरदार बखूबी निभाया। आई थिंक मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ रही होगी, मेरी आवाज़ से आप लोगों को पता चल रहा होगा कि मैं कितनी थक गई हूँ। बट यस, कुछ पानी के लिए कुछ खोना पड़ता है, हर कोई बोलता है। सो ये चीज़ हर एक बात में लागू भी होती है। सो आर्टिस्ट को कभी कभार ऐसे मौके मिलते हैं जहाँ पे आप दूसरी चीज़ें कर पाते हो। सो दिस इज़ समथिंग, दो मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, बट स्टिल आई लाइक इट सो मच। मैं बहुत मिस करने वाली हूँ यार। जब लास्ट टाइम भी मैं निकल गई थी, जेल चली गई थी, आई वॉज मिसिंग अ लॉट। मैं ऑलमोस्ट मंथ में दो बार डी और काकी से मिलने जाती थी, विशाल भाई से मिलने जाती थी। तो और जब भी पता चला कि राधा की री एंट्री आ रही है, तो एवरीवन वाज सुपर एक्साइटेड। गोपी का ये रूप पहले कभी किसी ने नहीं देखा था, लेकिन अब जो भी देखेगा वो देखता ही रह जाएगा, ऐसा उनके लाडले देवर का मानना है। यार बहुत ही ड्रामेटिक सीन था, एज टेलिंग एवरीवन की सबको बहुत पसंद आएगा। बिकॉज अगर मैं सोचूं एज अ लेमैन, एज एन ऑडियंस की तरफ से अगर मैं सोचूं, तो जब ये लोग जब वो लोग ये पूरा बिल्डअप देखेंगे और वो सीन होते हुए देखेंगे और गोपी का ये रूप देखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। सीधी सादी भोली भाली गोपी बन गई है कातिल, और उसका ये कातिलाना अंदाज लोगों के लिए जरूर शॉकिंग होगा। सीरियल की दुनिया में हालांकि ऐसे झटके बहुत कामयाब साबित होते हैं, पहले तुलसी वीरानी ने ऐसे झटके दर्शकों को दिए थे, अब गोपी मोदी की बारी है। ABP News Report।